और बात करते हैं शाजापुर के, जहां स्कूल वाहनों पर आरटीओ के द्वारा की जा रही कार्रवाई औपचारिकता साबित हो रही है। असल में हर दिन स्कूल आवागमन के दौरान हजारों बच्चों की जान जोखिम में रहती है। शनिवार को जिले में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल बिकलाखेड़ी और धाराखेड़ी के बीच छापरी में नाला उफान पर था। बावजूद इसके तिलवांद गोविंद गाँव में संचालित स्कूल अपेक्स इंटरनेशनल के बच्चों से भरी हुई बस को चालक ने पानी में उतार दिया, जिससे करीब 50 बच्चों से भरी बस उफान पर आए नाले में आधे से अधिक डूब गई। काफी मशक्कत के बाद भी चालक से बस आगे पीछे नहीं हुई। काफी देर तक बच्चे बस में डरे सहमे फंसे रहे। कुछ बच्चे तो इस दौरान चीख कर रोने भी लगे। उफने नाले में फंसी बस को निकालने के लिए ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से बस को फंते नाले के पानी से बाहर निकाला। घटना के वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर दिनेश जैन ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने आरटीओ, एसडीएम, शिक्षा विभाग और पुलिस को मामले में कार्रवाई करने को कहा। इस पर अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन उफनते नाले के कारण बच्चों तक नहीं पहुंच सके और न ही देर शाम तक बस को जब्त करने के साथ चालक को हिरासत में लिया जा सका। आपको बता दें कि जिले में वर्ष 2019 में भी इस तरह का बड़ा हादसा सामने आ चुका है, जब स्कूल बच्चों से एक भरी वैन बिना मुड़ेर के कुएं में गिर गई थी। हादसे में 3 बच्चों की जान भी चली गई थी और आधा दर्जन से अधिक बच्चों को कुएं से बाहर निकाल कर जान बचाई गई थी। शनिवार को अगर ग्रामीण हिम्मत नहीं दिखाते तो हादसा बड़ा हो जाता और कई घरों के चिराग स्कूल प्रबंधन और ड्राइवर की लापरवाही से बुझ जाते। देखना यह है कि घटना से जिम्मेदार क्या सबक लेते हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। स्कूल बस के उफनते नाले में फंसने का घटनाक्रम दोपहर करीब 3 बजे का बताया जाता है। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से बस को पानी से निकाल लिया, लेकिन बस खराब हो जाने के कारण बच्चों को ना तो वापस स्कूल ले जाया जा सका और ना ही उनके घर पहुंचाया जा सका। बस में अधिकांश बच्चे ग्राम धाराखेड़ी के निवासी थे। धाराखेड़ी के बच्चे तो पानी से बाहर आने के बाद अपने गाँव चले गए, लेकिन लाहौरी के करीब 15-20 बच्चे देर शाम तक बिकलाखेड़ी में ही फंसे रहे। यहाँ ग्रामीणों ने उनका ख्याल रखा। बच्चों को गांव पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था करने की कवायद देर शाम तक जारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। जान दो।